हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी जायसवाल। आज का टॉपिक है एंटी मलेरियल्स, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए। सो एंटी मलेरियल्स क्या होते हैं? जो मलेरिया को प्रिवेंट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को एंटी मलेरियल्स बोलते हैं, ऐसे ड्रग्स को। तो सबसे पहले मलेरिया क्या होता है? तो मलेरिया जो होता है वो वाइड स्प्रेड इन्फेक्शियस डिसीज होती है, ठीक है, जो प्रोटोजोआ पैरासाइट के थ्रू होती है। अब ह्यूमन बींग्स में जो मलेरिया होता है वो चार तरीक़ों से आ जाता है, ठीक है, चार तरीक़ों से होता है। सबसे पहले ये प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल के थ्रू ये होता है। अब जो प्लाज्मोडियम होता है ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में फाउंड हुआ है, ठीक है, मॉस्किटो में होता है, फीमेल मॉस्किटो में, जो कि क्या होता है, प्राइमरी होस्ट होती है प्रोटोजोआ की। ये प्राइमरी होस्ट है और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन बींग्स होता है, क्योंकि जो मॉस्किटो है जब वो बाइट करता है ह्यूमन बींग को, तो ह्यूमन बींग में रहता है, ह्यूमन बींग क्या हो गया, सेकेंडरी होस्ट हो गया। तो जो ये होते हैं ये ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट कराते हैं जो भी उनका वायरस होता है उससे, बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो। अब जो मेन होता है वो सेकेंडरी होस्ट होता है, और जब वो मॉस्किटो इंजेक्ट करता है अपने स्पोरोसाइट्स को, तो जो स्पोरोसाइट्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। अब जो स्पोरोसाइट्स होते हैं ये लीवर सेल की पेराकाइमल सेल, लीवर के पेराकाइमल सेल से अटैच हो जाते हैं और मल्टीप्लाई होना चालू कर देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई होके ये मेरोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब ये मैच्योर हो जाते हैं मेरोसाइट्स, तो ये लिब्रेट हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम से और इरिथ्रोसाइट में एंटर हो जाते हैं। क्यों एंटर होते हैं? इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के लिए और शाइसोगोनी के लिए। अब जब ये शाइसोगोनी की प्रोसेस हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन से क्या होता है, जो हीम होता है वो लिब्रेट हो जाता है बाय द रप्चर ऑफ इरिथ्रोसाइट। और इस स्टेज पे क्या होता है, मलेरिया के सिम्टम्स अराइज होते हैं। ये पूरा क्या है, उसका लाइफ साइकिल है, ठीक है। अब इसमें सारा मॉस्किटो है, मॉस्किटो ह्यूमन बींग को इंजेक्ट करते हैं, तो स्पोरोजाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और उसके बाद अटैच हो जाते हैं लीवर की जो वो जो सेल होती है उससे। अब मेरोजोइट लिब्रेट हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम से, अब आरबीसी में एंटर होते हैं और शिवम को प्रोड्यूस करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है तो इसमें 7 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले सिंकोना एल्कोलॉइड्स, इसमें क्वीन नीन, सिंकोनिन, 4-अमीनोक्विनोलाइन्स, अमोडिक्विन, क्लोरोक्विन, 8-अमीनोक्विनोलाइन्स, प्रीमाक्विन, एक्रिडिन डेरिवेटिव, क्विनाक्रिन, बाय ग्वेनिट्स, प्रोग्यूनिल और क्लोरोप्रोग्यूनिल, और डाई अमीनो पायरेमाइडीन, प्रीम पायरीमिथामाइन, मिसलेनियस ट्राइमिथोप्रीम, मेफ्लोक्विन। ओके, अब इसमें सबसे पहली ड्रग है प्रीमाक्विन। अब प्रीमाक्विन का जो बेस्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्विनोलिन है। तो क्विनोलिन में एक फिनॉल रिंग होती है, देन ये फिर यहाँ से एन एस अटैच हो जाता है अमीनो ग्रुप, तो ये क्विनोलिन होता है। तो यहाँ पर हमने पहले क्विनोलिन बना दिया, अब इसमें सी एच थ्री ओ ग्रुप अटैच करेंगे 6 पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर क्या, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर सी एच थ्री ओ ग्रुप डाल दिया। अब यहाँ से हम 8 नंबर पर अटैच करेंगे, क्या अटैच करेंगे, एन एच सी एच सी एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू, और देन यहाँ पे अटैच कर देंगे सी एच थ्री। ये इसका स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें आई यू पी एस सी नाम है, तो 8 नंबर पे से हमने अटैच किया, तो 8 फिर ब्रैकेट फिर 4 अमीनो, 4th नंबर पे अमीनो मिथाइल, 1 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटाइल मैंने 1, 2, 3, 4, 4, 4 मीन्स ब्यूटाइल, तो 4 ब्यूटाइल अमीनो, तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप है, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पर अमीनो ग्रुप है, अमीनो 6 मिथॉक्सी। अब 6 नंबर है, तो 6 नंबर पे क्या है, मिथॉक्सी, मिथाइल ऑक्सीजन दोनों है, तो 6 मिथॉक्सी, और ये पूरा क्या है, क्विनोलिन, तो ये क्विनोलिन है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ये ऑडरलेस होता है, ये बिटर टेस्ट का होता है, ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में, प्रैक्टिकली सोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में, और ये जो स्टोर्ड होता है वेल क्लोज कंटेनर में, इसे स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है।
और ये इसकी कैटेगरी है क्या, एंटी मलेरियल ड्रग होती है ये। अब इसके एक्शन एंड यूज़ है, ये जो होती है ये मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती है, ये जो होती है प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, ये प्लाज्मोडियम को किल करती है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज पर। ये क्या करती है, ये इरिथ्रोसाइटिक स्टेज पर इफेक्ट करती है ओनली प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पर। ये जो होता है ये जनरली एक्यूट इन्फेक्शन पर रिकमेंड नहीं किया जाता है, और इस स्टेज पर क्लोरोक्विन के साथ इसे कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अब इसका ऑफिशियल प्रिपरेशन है प्रीमाक्विन फॉस्फेट आईपी, प्रीमाक्विन टेबलेट आईपी, ब्रांड नेम है प्रीमाक्विन फॉस्फेट SN13272, प्रीमा चीन फॉस्फेट, प्रीमाक्विन डाइफॉस्फेस। अब नेक्स्ट है पायरीमिथामाइन। अब पायरीमिथामाइन का जो बेस्ड स्ट्रक्चर है क्या है, पायरीमिडीन है। तो पायरीमिडीन में क्या होगा, ये एन, एक एन यहाँ जोड़ेंगे, एक एन यहाँ जोड़ेंगे, ये पायरीमिडीन का स्ट्रक्चर है। अब पायरीमिथामाइन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो इसमें देखिए ये यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये हमने यहाँ पे बना लिया ठीक है, पायरीमिडीन का स्ट्रक्चर एन एन। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ से ऐसा करेंगे, फिर यहाँ पे एक बेंजीन रिंग जोड़ देंगे ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे यहाँ पर सी एल अटैच कर देंगे, ये कंप्लीट हो गया पूरा ठीक है। अब यहाँ पर और यहाँ पर फोर्थ नंबर पे और यहाँ सेकेंड नंबर पे NH2 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 ग्रुप अटैच कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे CH3 CH2 ग्रुप अटैच कर देंगे। ओके तो इसका पर बीच का जो पोर्शन है क्या फाइव है, तो फाइव हम लिख देंगे, तो हमने ये फाइव लिखा। ओके अब फोर क्लोरोफिनाइल, तो ये फोर्थ नंबर है ठीक है, यहाँ पे क्लोरो जुड़ा हुआ और ये फिनाइल करेंगे, तो फोर क्लोरोफिनाइल इस तरीके से बनेगा। फिर सिक्स इथाइल पायरीमिडिन, तो सिक्स नंबर पे क्या इथाइल ग्रुप है, तो सिक्स इथाइल पूरा क्या है ये पायरीमिडिन है, तो सिक्स इथाइल पायरीमिडिन टू फोर डाई अमाइन, टू नंबर पर फोर्थ नंबर पर, तो टू फोर, और ये डाई क्या मतलब, डाई मतलब दो होता है, तो डाई अमाइन, अमीनो ग्रुप दो है तो डाई अमाइन हो जाएगा ये ठीक है। तो इस तरीके से ये आएगा फाइव फोर क्लोरोफिनाइल सिक्स इथाइल पायरीमिडीन टू फोर डाई अमाइन। इसे प्रॉपर्टी है कलर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, कैरेक्टरिस्टिक प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल वाटर, साइज सोल्यूबल इन इथेनॉल, मेल्टिंग पॉइंट 240, सेट 242 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टोरेज ये एयर टाइट कंटेनर में स्टोर्ड होना चाहिए। देखिए इसके एक्शन एंड यूज़ है, पायरीमिथामाइन होता है ये एंटी मलेरिया ड्रग होती है जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये जो होता है इसका स्लो कंट्रोल होता है, और जो ये वाली जो ड्रग होती है ये न्यूक्लियो प्रोटीन मेटामोलिस पर इफेक्ट करती है। ये क्या करती है, ये प्राइमरी एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज को किल कर देती है। अब इसकी ऑफिशियल प्रिपरेशन है पायरीमिथामाइन आईपी, पायरीमिथामाइन टेबलेट आईपी, पायरीमिथामाइन एंड सल्फोनोडेक्सन टेबलेट आईपी, ब्रांड नेम है डेरोप्रीम प्रीमी पायरी मेटामिना, पायरी मेटामिना। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये एंटी मलेरिया ड्रग्स पढ़ी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।